चूंकि हम सामाजिक आदमी हैं और चर्चाएं बहुत चलती रहती हैं, तो एक बार चर्चा चल रही थी, तो चर्चा में कुछ अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो नाथजी, मोस्टली जो खटीक जाति के लोग हैं वो राजस्थान के, वो संत दुर्बल नाथ जी को अपना मानते हैं। कुछ लोग थे जो रविदास जी को संत शिरोमणि बोल रहे थे, वो वहां बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो अपने आप को चमर जुलाहा बोलते हैं, वो कबीर साहब को मानते हैं, सत साहब को मानते हैं। कुछ लोग थे वहां पे जो चमार जाति के थे, वो रविदास जी को मानते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो गुरु नानक वाले थे, आपस में चर्चाएं चली थी, संतों की बात चली थी। एक संत गाडगे जी का भी जिक्र आ रहा था, कोई धोबी समाज से भी वहां रहा होगा। तो आपस में अपने अपने संतों को लेके वो वकालत कर रहे थे, उनकी एडवोकेसी कर रहे थे और खूब चर्चाएं जोर से चल रही थी संतों की। मैं शांत बैठा हुआ था, सबकी चर्चा सुन रहा था, ज्ञान को ले रहा था। तो जब सबकी बातचीत हो गई तो उनका ध्यान मेरी तरफ गया कि मैं चुप बैठा हुआ हूँ, कुछ बोल नहीं रहा। वीडियो में तो बड़ा मैं टटर टटर बोलता हूँ, यहाँ कुछ बोल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि सुधीर जी, आप भी अपना कुछ बताइए, आपके क्या संत हैं, कौन से संत हैं, क्या संत के बारे में आप जानकारी रखते हैं, किस संत को मानते हैं या किस संत का समर्थन करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, आप मुझे एक बात बताओ कि आपके जितने संत हैं उनमें से कोई शराब पीता है क्या? तो सबने कहा, जी क्या बात कर रहे हो आप, संत शराब पियेंगे? हमारा संत तो शराब नहीं पीता, छूता भी नहीं, वो तो शराब की बुराई करता है। तो मन की भाई, मैं भी उसी संत को मानता हूं जो शराब नहीं पीता। तो क्या आपका संत चोरी करने के लिए कहता है या चोरी करता है? वो कहा, जी कैसी बात कर रहे हो आप इतने अच्छे जानकार हो और आप बार बार ऐसे प्रश्न कर रहे हो। मैंने कहा, भाई सवाल का जवाब है तो देना तो दो, नहीं देना तो मत दो। कह रहा, जी कोई चोरी नहीं करता, चोरी के लिए तो मना किया। आपका कोई संत हथियार रखता है क्या? कह रहा, जी मतलब नहीं, सब प्यार के बात करते हैं, हथियार से क्या लेन देना है, उन्हें कौन सा हत्या करनी है, तो उसका मतलब वो हत्या के पक्षधर भी नहीं है आप में से किसी के संत। कह रहा, हाँ जी। तो आपके संत क्या कोई व्यभिचार को प्रोत्साहन देते हैं क्या? व्यभिचार में लिप्त हैं या व्यभिचार की बात करते हैं या कभी कोई व्यभिचार किया हो? कह रहा, जी नहीं, फिर तो वो संत ही नहीं होते। अगर वो संत हैं तो इसका मतलब व्यभिचार से दूर हैं, बल्कि वो तो हमें कहते हैं कि व्यभिचार मत करो आप, और उनका तो व्यभिचार से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपके जो संत हैं वो कोई चोरी करते हैं? तो ना वो चोरी पे हाँ हुए, ना व्यभिचार पे हुए, ना वो झूठ बोलने पे हुए, ना वो नशार पता पे हुए, और ना ही वो सरावर उस पे हुए। तो ये पांचों काम में से किसी संत ने भी ये नहीं कहा कि उनका संत ये काम करता है। तो मैंने कहा, भाई मैं ऐसे सभी संतों को मानता हूं, ऐसे सभी संतों को जो ये पांच काम नहीं करते, वो सारे संत मेरे हैं। तुम्हारा अलग अलग संत होगा, मगर मेरे तो वो सारे संत हैं दुनिया में जो ये काम नहीं करते, चाहे वो किसी का भी संत है। तो तुमने अपने संत को इतना छोटा कर दिया कि आपका संत कह के गया था कि कुछ लोगों का मैं संत हूं, बाकी लोगों का नहीं हूं, या जो आपका अलग अलग जो संत बता रहे हो। अब वो सोच पड़ गए, कह रहे, जी नहीं ऐसा तो कभी नहीं कहा हमसे कि भाई मैं सिर्फ तुम्हारा संत रहूंगा औरों का नहीं हूं। तो भाई संत तो पूरी दुनिया का होता है, तो तुम आपस में अपना अपना संत करके जो वकालत कर रहे हो, एडवोकेसी कर रहे हो और लड़ने मरने को तैयार हो, क्या संत ने कभी ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरे नाम से लड़ना, मेरे नाम से एडवोकेसी करना और मेरे नाम से तुम खूब दंगा फसाद करना और मेरे नाम की वकालत करना और जीतना, आपस में बहस करना? कह रहा, जी नहीं। तो मैंने कहा, भाई मैं तो ऐसे सभी संतों को मानता हूं जो सबके संत हैं। अगर तुम कहते हो कि ये संत तुम्हारा ही है या तुम्हारी कोई जाति बन गई है या संत ने तुम्हारी कोई जाति बनाई है या तुम कहते हो कि संत ने उस जाति का नाम रखा हुआ है, तो मुझे तो लगता नहीं कि संत कभी जाति बनाते होंगे। क्या कभी संत ने जाति बनाई? कह रहे, जी नहीं, संत ने कोई जाति नहीं बनाई। क्या संत की कोई जाति होती है? तो उन्होंने कहा, जी नहीं, संत की कोई जाति भी नहीं होती है। तो क्या संत एक छोटे से दायरे में बांधा जा सकता है? कह रहा, जी नहीं, संत तो व्यापक होते हैं, बड़े होते हैं। तो मैंने कहा, भाई वो सारे संत मेरे हैं, जब तुम ऐसा कर रहे हो, ये जितने संत तुम दावा ठोक रहे हो, इसका मतलब इनमें समय मेरा शेयर है और ये सारे संत मेरे भी हैं। मगर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जो यहाँ संत का नाम ले लेकर झंडे ले लेकर उठा उठा के घूम रहे हो, तुमने ये रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए और तुम जो ये दादागिरी करते फिर रहे हो संत के नाम से कि ये मेरा संत, ये मेरा संत, ये मेरा संत, और तुम मेरे संत को नहीं मानते और मैं तुम्हारे संत को नहीं मानता, ये जो तुम संत संत खेल रहे हो आपस में, क्या संत ने कहा था कि तुम संत संत खेलना या संत में झगड़ा कराना? कह रहा, जी नहीं। भाई संत में सारी व्यवस्था है, संतों में कभी झगड़ा हुआ आपस में? कह रहा, जी नहीं, संतों बड़े मिलकर रहते थे आपस में। तो भाई तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में? तुम संत की बात नहीं मानते क्या? तुम संत को नहीं जानते क्या? तुम संत का खाली झगड़े के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? संत की बात नहीं मानते क्या? अब वो चुप हो गए।
मैंने कहा भाई संत तुम्हारा शराब नहीं पीता तुम पीते हो, संत तुम्हारा चोरी नहीं करता तुम व्यभिचार करते हो, संत तुम्हारा नशा पता नहीं करता तुम करते हो, संत जो बात नहीं करता वो सारी तुम करते हो, वो संत तुम्हारा कहां से हो गया? वो तो संत उनका है जो उनकी बात को मानता है, वो दुनिया में कोई भी आदमी है। अब उनका मूड खराब हो गया क्योंकि शराब का अगर जिक्र कर दो कहीं तो मूड खराब होना निश्चित ही है, क्योंकि सुबह संत की बात होंगी और शाम को संतरे के जूस वाली शराब मिलाकर पियेंगे, तो संत का संतरा बना देते हैं और संतरे का जूस की शराब बना देते हैं शाम तक, और दावा करते हैं कि हम संत के जानने वाले हैं, संत हमारा है, और संत के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियां निकालेंगे, और ऐसे ऐसे पटके और ऐसे ऐसे गमछे और हाथ में तलवार और हाथ में डंडे और पगड़ियां ऐसी ऐसी बांधेंगे, और शाम को संतरे वाली दारू खोल लेंगे और फिर पी के कहेंगे आज तो हमारा बहुत बढ़िया रैली रही, देखो हमारा कितना बड़ा। संत ने कब कहा कि तुम मेरी मेरे नाम पे पूरा ड्रामा करो, पूरी रैली निकालो और शाम को शराब पियो? संत कहता है तुम रैली निकालो या मत निकालो, अगर शराब मत पियो। वो बात मानते नहीं। उसके बाद में तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी संत की चर्चा मुझसे तो की नहीं, और मुझे देखते ही वो कुछ दाएं इधर को मुंह लेते हैं, कुछ दाएं उधर को लेते हैं, अभी चर्चा वर्चा वो करते नहीं। उन्हें पता है कि चर्चा करेंगे तो चर्चा उन्हीं के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि संत को छोटा बनाना बहुत बड़ा पाप है, संत की बात नहीं मानना उससे बड़ा पाप है, और संत के नाम पे नेतागिरी करना, संत के नाम पे दादागिरी करना, और संत के नाम पे लोगों को बांटना सबसे बड़ा अपराध है। और ये जो अपराध करते हैं वो छुटपइये लोग हैं जिनकी अकल बहुत छोटी है, और जो छुटपइये जिनको दिन रात सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के नेता बनने की पड़ी रहती है। इसलिए समाज संतों ने जो एक किया, संतों के अनुयायियों ने उसको अनेक में बदल दिया, तोड़ दिया। आप ऐसे संतों के दुकानदारों से, संतों के धंधेबाजों से सावधान रहें। धन्यवाद। Time.